नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। मैं हूं समरजीत सिंह। 1962 में भारत और चीन के बीच हुए युद्ध की जब जब बात होगी, तब तब मेजर शैतान सिंह और उनके बहादुर साथियों का जिक्र जरूर होगा। दरअसल भारत और चीन के बीच जारी युद्ध के दौरान रेजांगला में चीन के करीब 2000 सैनिकों ने भारतीय फौज पर एकाएक धावा बोल दिया था, और उस दौरान रेजांगला में मौजूद 120 भारतीय सैनिकों की कमान थी मेजर शैतान सिंह के हाथों में। मेजर अपने 120 बहादुर सैनिकों को साथ लेकर चीन की सेना से खूब लड़े, और ऐसा लड़े कि उनकी वीरता के किस्से आज तक प्रचलित हैं। इस लड़ाई के दौरान मेजर शैतान सिंह और उनके साथियों ने चीनी सेना को मार गिराया, और जो सैनिक बचे वो वहां से भाग निकले। इस युद्ध को हुए भले 61 साल हो गए हों, लेकिन उनकी वीरता की कहानी आज भी सभी के जुबान पर है। आपको बता दें कि गुरुवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रेजांगला स्मारक पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उन्होंने चीन से हुए युद्ध में शहीद हुए सैनिकों को भी याद किया। आइए पहले जानते हैं मेजर शैतान सिंह के बारे में। मेजर शैतान सिंह 13 कुमाऊं की चार्ली कंपनी का नेतृत्व कर रहे थे। उन्होंने 18 नवंबर 1962 को चीनी सेना की उस टुकड़ी का बहादुरी से सामना किया जो संख्या और हथियारों के मामले में भारतीय सेना से काफी बड़ी थी। हालांकि उस दौरान मेजर सिंह से यह भी कहा गया था कि वो चाहें तो चौकी से पीछे हट सकते हैं, लेकिन मेजर ने अपने साथियों में जोश भरा और समझदारी से चीनी सेना का सामना करने का फैसला किया। नतीजा यह हुआ कि भारत ने उनके नेतृत्व में चीनी सेना का जमकर मुकाबला किया, और मेजर सिंह को मरणोपरांत परमवीर चक्र से नवाजा गया। आखिर क्या हुआ था उस दिन? 18 नवंबर 1962 को सुबह के 4 बज रहे थे और चीनी सेना के करीब 2000 जवानों ने भारतीय टुकड़ी पर हमला बोल दिया था। ठंड की मार और दुश्मनों की तरफ से शुरू हुई गोलियों की बौछार का सामना भारतीय सेना ने बड़ी बहादुरी से किया। कम हथियारों को देखते हुए रणनीति बनाई गई कि जब चीनी सैनिक फायरिंग रेंज में आए उसके बाद ही उन पर गोली मारी जाए। मेजर सिंह ने जवानों को बताया कि एक गोली में एक चीनी सैनिक को मार गिराओ। इस रणनीति पर काम करते हुए भारतीय सेना ने चीनी पक्ष को खदेड़ दिया, और उस समय तक सभी भारतीय सैनिक सुरक्षित थे। आइए अब जानते हैं कि आखिर मेजर शैतान सिंह के स्मारक को लेकर यह ताजा विवाद है क्या। आपको बता दें कि चुसुल के काउंसलर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह दावा किया है कि रेजांगला में स्थित इस स्मारक को तोड़ना पड़ा है। उन्होंने कहा है कि भारतीय सेना की 13 कुमाऊं रेजिमेंट की टुकड़ी के सैनिकों की बहादुरी को यहां सम्मान दिया जाता है। साल 2020 में गलवान में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई झड़प में 20 भारतीय सैनिकों की मौत हो गई थी। भारत ने दावा किया था कि इस संघर्ष में चीन के भी कई सैनिक मारे गए हैं। हालांकि चीन ने आधिकारिक रूप से सिर्फ 4 सैनिकों के मारे जाने की बात स्वीकार की थी। इस संघर्ष के बाद भारत और चीन के सैन्य अधिकारियों के बीच कई दौर की बातचीत हुई। बातचीत के क्रम में दोनों देशों के बीच कई इलाकों में पीछे हटने पर सहमति भी बनी। अब चुसूल के काउंसलर का दावा है कि यहां भी उसी के तहत यह इलाका बफर जोन में आ गया, और जिसकी वजह से इसे तोड़ना पड़ा है। हालांकि भारतीय सेना ने इसे लेकर कोई आधिकारिक बयान अभी तक जारी नहीं किया है।